गुहार लगाना चाहती हूँ कि आपके चेयर के माध्यम से सर, इस सभागृह की सदस्य होने के नाते मैं न्याय की गुहार आपसे ही लगा सकती हूँ। तो संक्षिप्त में बात करें आपकी। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। अगर एक सदस्य होने के नाते अगर हमारे साथ महाराष्ट्र में इस तरीके से अगर व्यवहार होता है, जब हमने किसानों के आंदोलन किए सर, किसानों के हित में आंदोलन किए, कोई क्राइम ना करते हुए हमें पुलिस की गाड़ी में क्रिमिनल, सर क्रिमिनल जैसा बिठाकर गाड़ी से लेके सीपी कमिश्नर ऑफिस में लेके गए और वहां पे सीढ़ियों पे बाहर बिठा के हमारी बेइज्जती की गई, मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे बदतमीजी से बात की गई, ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 16 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाने के बाद सर, आधी रात को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया जाता है और जबरन 100 से 150 पुलिस हमारे घर में आती है। मेरे बुजुर्ग माता पिता वो घर में रहते हैं, मेरे छोटे बच्चों के सामने पुलिस वाले बोलते हैं, ये ऊपर से हमें आदेश आया है, अगर तुमने हमारी बात सुनी ना तो यहाँ से घसीट के तुम्हें कमिश्नर के ऑफिस में और जेल में डाला जाएगा। सर सर, लास्ट सर, 1 मिनट सर, और सर सर 1 मिनट, और जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके ऊपर अत्याचार करके 307 का गुना उन पे लगाया, विधायक रवि राणा दिल्ली में रहने के बाद उन पे 307 गुना दाखिल किया सर। और 2 दिन पहले मैंने एक सीनियर कॉलीग को हमारी आरती सिंह के बारे में उसकी बाजू लेते हुए सुनाई दिया सर, 1 मिनट लास्ट, उनकी तारीफ सुनाई दी, उनका कोई केस दिल्ली में आया है, अगर महिला की बाजू ले सकते तो ये भी एक महिला, ये सदस्य की एक सदस्य रहने के नाते मैं आपसे विनंती करती हूँ सर, उन पे कार्रवाई की जाए। और ये पेन ड्राइव सर, ये पेन ड्राइव में उनके पूरे पुरावे हैं सर, ये फोटो है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से मुझे एक गाड़ी में बिठा के यहाँ से कमिश्नर के ऑफिस लेके गया, उस करप्ट सीपी पे कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी लगनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए सर, पूरे पुरावे नहीं सर।